हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जोश इंडिया के एक लहंगे का रिव्यू। अगर आपको अभी तक जोश इंडिया नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ये एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आपको लहंगा चोलेस मिल जाएंगे और आपको साथ साथ में बनारसी साड़ीज मिल जाएंगी, शरारा सूट्स वगैरह मिल जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जोश इंडिया पे। आप एक बार जाकर उनकी वेबसाइट जरूर चेकआउट कर लेना, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो गाइज, ये एक डिजाइनर पीस है ब्लू कलर में, जॉर्जेट का ये पीस है, मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, अच्छा लग रहा था यार, इसका कलर काफी डिफरेंट लग रहा था। चलो फटाफट से इसको ओपन करते हैं एंड सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका लहंगा। ये देख लो कितना ब्यूटीफुल शाइन कर रहा है एंड हैवी भी नहीं है, क्योंकि ना मुझे बहुत लोग कमेंट्स करते कि दी आप ना हमेशा हैवी वाले लहंगे दिखाते हो, मैं टीनेजर हूं या फिर मुझे इतने बड़े फंक्शन में नहीं जाना कि मैं इतना हैवी लहंगा डालू, आप थोड़ा सा सटल वाला लहंगा दिखाया करो। तो गाइज ये देखो, फिर मैं हर तरह की वैरायटी कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। ये आप देखो कितना प्यारा लग रहा है, ओ माय गॉड, अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर सीक्वेंस का काम किया हुआ है, फ्लावर शेप दी हुई है इसकी, ब्लू जॉर्जेट इसका कपड़ा है एंड ब्लू जो है ना गाइस बहुत सुंदर वाला ब्लू कलर है, वो कच्चा पक्का वाला ब्लू कलर नहीं है, बहुत ही ज्यादा रिच एंड रॉयल ब्लू है और मुझे इसका ब्लू कलर बहुत पसंद आया। डाला हुआ ना तो बहुत प्रिटी लगेगा, अगर आप देखो ना, ये देखो रेड लिपस्टिक लगाई इसके साथ, अगर आप ब्लू भी डालते हो ना तो बहुत प्यारा लगेगा। सिंपल सा है पूरा लहंगा, बिल्कुल एक जैसा है जॉर्जेट का और इसके ऊपर सीक्वेंस का काम कुछ इस हिसाब से किया है, ठीक है। एंड अंदर आपको इसके लाइनिंग मिल जाएगी, आपको लाइनिंग लगवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ साथ में गाइस ये आप देख लो, आपको कैन कैन भी मिल जाएगा इसके साथ, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुली पूरे लहंगे के ऊपर इन्होंने स्टिच करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कैन कैन भी नहीं लगवाने की जरूरत है, कैन कैन लगाने से क्या होता है ना कि आपका लहंगा थोड़ा सा, जहां पे लहंगा नीचे की तरफ ना थोड़ा सा होल्ड बन जाता है लहंगे का, थोड़ा सा फ्लेयर फ्लेयर सा दिखता है तो सुंदर लगता है, ठीक है। एंड अगर मैं कमर की बात करूं तो ये देख लो, आप अपने हिसाब से देख लो, 42 इंचेस तक तो आ ही जाना चाहिए, ये देख लो कितनी ज्यादा इसकी कमर है, ठीक है। एंड साइड में जिप लगी हुई है और ये देख लो डोरी एंड ये लगाया हुआ है, ठीक है। प्रिटी लगा लहंगा मुझे, डिसेंट सा, हल्का सा, छोटे मोटे फंक्शंस में जैसे कुछ लोग होते हैं या फिर टीनेजर्स के लिए, तो भैया तुम शादी में डाल के चले जाओ, देखना कितना प्यारा और ब्यूटीफुल वाला पीस लगेगा, क्योंकि टीनेजर्स को ना बहुत ज्यादा हैवी हैवी वाले लहंगे अच्छे भी नहीं लगते डाले हुए, फिर ओवर लगने लग जाता है ना। चलो अब गाइज इसका ये दिखाते थे मैं दुपट्टा, ये दुपट्टा आप देख सकते हो, आपको चारों तरफ कुछ इस हिसाब से आपको ये मिल जाएगी, लेस मिल जाएगी इसकी गोल्डन कलर की, जो लहंगे के साथ बहुत ब्यूटीफुली अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। एंड इसका कलर भी काफी अच्छा, लाइक ब्लू सा अच्छा सा दिया हुआ इसका शेड। कई बार क्या होता है ना, कुछ जैसे नेट होती है, जैसे नेट का, और नेट की क्वालिटी अच्छी है सच, हाँ नेट की क्वालिटी काफी अच्छी है, वो फिल्म वो वाली नहीं है कच 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 वाली करने वाली, इट्स वेरी गुड क्वालिटी। कई बार कुछ लहंगों के साथ जो दुपट्टे होते हैं ना उनका कलर ही नहीं मैच करता, तो ये मुझे पसंद आया कि ये देखो कितना प्यारा लग रहा है इसके साथ। बात कर लेते हैं इसके ब्लाउज की, तो ब्लाउज इन्होंने ना कुछ इस हिसाब से दिया है, जो आपको फोटो नजर आ रही है ना उसको आप अपने अकॉर्डिंग स्टिच करवा सकते हो, ठीक है। वो आपको जस्ट एज ए एग्जाम्पल उन्होंने डिजाइनर पीस बना के दिया है, अदरवाइज ब्लाउज देख सकते हो कुछ इस हिसाब से आपको मिलेगा, जो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। हाँ लाइनिंग लगवा लेना आप इसके अंदर, ठीक है, लाइनिंग लग के ही ये बनेगा, ये सी थ्रू है, देखिए देख ही सकते हो आप, प्रिंट बड़ा सुंदर लगा मुझे इसका, डिफरेंट सा लगा। प्रिंट के ऊपर इन्होंने ये सी मिरर वर्क का काम किया हुआ है, जो प्लास्टिक के मिरर होते हैं, एंड उसके ऊपर ये कढ़ाई की हुई है, व्हाइट कलर की कढ़ाई है, व्हाइट एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशन में, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है वैसे तो ये, है ना, देख सकते हो आप। ये फ्रंट है ब्लाउज का और ये आपको बैक मिल जाए, सॉरी ये फ्रंट है क्योंकि ऐसा स्वीट हार्ट नेक बना हुआ है तो वो फ्रंट पे आता है, ठीक है। ये फ्रंट है या सेम ही डिजाइन है, बस गले का थोड़ा सा इन्होंने शेप होती है, ठीक है। ये फ्रंट है, ये बैक है, ठीक है। और साथ में गाइज आपको ये स्लीव्स मिल जाएंगी, स्लीव्स के ऊपर भी सेम ऐसा ही डिजाइन डाला हुआ है इन्होंने, ठीक है, कढ़ाई का मतलब। और ये देख सकते हो आप,
ये भी स्लीव्स के ऊपर कुछ इस हिसाब से ये वाला कढ़ाई का डिजाइन है, ठीक है, जो मतलब अच्छा लगेगा। हाँ, अब आप इसको चाहो तो आप इसको सिंगल शोल्डर एक मतलब बाजू वाला सिलवा सकते हो जो आपने अभी फोटो देख रहे हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप इसको दोनों तरीके से आप सिलवा सकते हो, मतलब दोनों बाजू छोटी छोटी सी रख के इतनी इतनी जितनी इसकी कढ़ाई है, ठीक है, जितनी इसकी कढ़ाई है बस आप इतना इतना इसको रख लो, या फिर मेगा स्लीव्स रख लो इसको, छोटे छोटे स्लीव्स, या फिर आप इसको स्लीवलेस रखना चाहते हो तो आप स्लीवलेस रख सकते हो, जैसे आपकी मन करे। मैं तो हूँ भैया अब एक बाजू वाला तो सिलवाने नहीं वाली, क्योंकि आप सबको पता है यार, क्योंकि इधर से मेरा पूरा फिर ओपन हो जाएगा, नॉट कम्फर्टेबल। अगर आप गाइस देख सकते हो आप, कुछ इस तरह से ये लहंगा आपको दिखेगा, एंड ये काफी अच्छा लग रहा है, मतलब सिंपल सा, सोबर सा, जैसे आप लोग बोलते हो ना कई बार दी हल ऐसे वाले लहंगेस भी दिखाया करो, जॉर्जेट वाले फ्लोई से लहंगे, तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। अगर आप इसके साथ का मैचिंग ब्लाउज स्टिच करवाओगे तो आपको और ज्यादा ये पसंद आएगा, अच्छा लगेगा फिर ये, और प्रिटी लग रहा है। इसके दुपट्टे की लेंथ भी अच्छी है, ठीक है, चौड़ाई भी है इसकी, देख सकते हो आप, ठीक है। इसके परचेज लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा तो आप उसको ले सकते हो। मुझे वाला पीस अच्छा लगा, डिसेंट सा एंड क्यूट सा पीस लगा, यू नो सिंपल सा। हमेशा मैं हैवी हैवी लहंगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, हाँ डिजाइनर पीस बनवा ले तो फिर तो भैया चार चांद लग जाएगा इसमें जो एक बाजू वाला है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू। अगर आप लोगों ने जोशिंडा की बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की, या फिर जोशिंडा के लहंगों को यूज करके जो मैंने मेकअप लुक्स क्रिएट किए हैं, अगर आप लोगों ने वो भी नहीं देखा है, मिस हो गया है, प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप एक बार जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट कर लेना।